अस्सलाम वालेकुम। क्या चाल? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ एक टीप है, एक 250 ग्राम का पैकेट। ये टीप एक हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, किस तरह हम बनाएंगे, आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की थीम रखेंगे टीप एक में, ताकि अच्छा भी लगे और एक खूबसूरत सा टीप एक हमारा बने। टीप एक का एक शॉपर यानी मतलब एक 250 ग्राम का जो शॉपर होता है, पाउच जो होता है, वो किस तरह तैयार करेंगे हम, मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा। अच्छा, मैंने नेट से ही उठा लिए, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ पेन टूल से ड्रॉ करना है, और पेन टूल किस तरह ड्रॉ करना है ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा। इसमें कलर किस तरह एडजस्टमेंट होगी, चीज़ें किस तरह डलेंगी। चलाइए क्लास क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने पेन टूल लिया पहले, तो पेन टूल लेने के बाद ड्रॉ किया। उसको ड्रॉ कर लिया। ये मेरा पेन टूल चल रहा है, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया पेन टूल से, ठीक है। और यहाँ पे ये चाहिए मेरा ड्रॉ हो गया। पीछे वाले को मैंने डिलीट कर दिया, ये मेरा ड्रॉ हो गया दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है, इसमें कलर सेट करना है, कलर एडजस्टमेंट करनी है, एक अच्छा सा शॉपर डिजाइन करना है। तो किस तरह करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा ड्रॉ हो गया एक तरीके से, मैं क्या करूँगा, कलर सेट करूंगा। मैं इसको अपने, मैंने ग्रेडियंट रखे हुए हैं, ये मैंने ग्रेडियंट इसके अंदर सेट कर लेना है। मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने सेट कर लेना है कि मैं इसको किस तरह एडजस्टमेंट करूंगा इस ग्रेडियंट को। तो मैंने ग्रेडियंट में आके ग्रेडियंट एडजस्ट कर लिया, ठीक है। मेरा बिल्कुल ये मुझे अच्छा लगता है, मैंने ये एडजस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब ये ऊपर का, नीचे का, ये सब चीज़ें किस तरह बनेंगी ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, हम ये छोटी सी बारीक सी लाइन लेंगे, ये वाइट कलर कर देंगे, फिर हाल अब ये नहीं है। अच्छा, इसको एक और बब लेंगे, दो तीन चार पाँच, उसके बाद इन तीन के कलर मैंने सेम रखे, ठीक है। तीन के कलर मैंने ये रखे, और दो के कलर मैंने, दो के कलर मैंने ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इन लोगों को शेडो दे दिया, इफेक्ट में आके, और चला इसमें आके ड्रॉप शेडो, देख लिया ड्रॉप शेडो किस तरह से लगेगा, कहाँ से लगेगा, अपने लिहाज से सेट कर लेंगे। जिस तरह सेट करना है उस तरह हमने सेट कर लिया, देखा कि बेस लग रहा, अच्छा लग रहा, इसको ओके किया, इसकी ऑपेसिटी कर दी मैंने 50। ऑपेसिटी कर दी मैंने 50, इसको मैंने कर दिया ग्रुप, मैंने करा कंट्रोल एक्स, और मैंने उसको कराया ड्रॉ इन साइड, यहाँ पेस्ट किया, इसको मैंने यहाँ थोड़ा छोटा कर लिया। ये मेरा ऊपर का हिस्सा हो गया तैयार। अच्छा, दोस्तों मैंने ये एक चीज़ ये बनाई है, ये मैंने रखी हुई है, मेरे पास ही दो कॉपी हो गई। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये मैंने किस तरीके से बनाई है। मैंने इस तरीके से बनाई है, मैंने यही बॉक्स रखा, ठीक है। ये बॉक्स रखने के बाद मैंने जो है इसमें एक पॉइंट ऐड किया एंकर पॉइंट से, ये देखें, ये एड एंकर पॉइंट से मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लिया, ठीक है। डायरेक्शन टूल से मैंने इसको डबल क्लिक किया, और इसको मैंने इस तरीके से मैंने मतलब मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। आप चाहें आप भी मतलब ये बना सकते हैं। अच्छा, तो मैंने इसकी एक कॉपी ले ली, ठीक है। मैंने इसकी एक कॉपी ले ली, और इसको क्या करा मैंने, इसको कर दिया ब्लर, ब्लर कर दिया। ब्लर कैसे करेंगे, ये रहा ब्लर, इसमें ब्लर में आके गोशियन ब्लर हम
प्रीव्यू देखेंगे और ये मुझे बेहतर लग रहा था, मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, अच्छा मैंने उसको उठाया। अब क्या करना है, मैंने मैंने इसमें पेस्ट करना है। मैंने उसको कंट्रोल एक्स किया, इस पर आया, डबल क्लिक किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। मैंने देखा यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया। उसको मैंने उसके पीछे ले गया। ठीक है दोस्तों, ये इसको मैंने सेट कर लिया अपने तरीके से। इसको मैं देख लूँगा कैसे सेट करना है। ये इसकी एक और कॉपी ले ली, इसको यहाँ वापस कर दिया, इसको ऐसे करके यहाँ बना लिया, या इसको ऐसे करके ऐसे वहां। ठीक है दोस्तों, और इसको ऐसे करके इसको ऐसे घुमा लिया। ठीक है, ये आपका एक ग्रेडियंट आ गया। ऐसा लगेगा कि चीज शॉपर, यानी मतलब थोड़ा सा लॉ है। अच्छा, ये मैं टी पैक बना रहा हूँ चाय का, तो ये मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। ये मैंने चाय उठाई और कंट्रोल एक्स करी मैंने। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर इसको डबल ये डबल क्लिक किया दोस्तों। ठीक है, उसके अंदर मैंने ये पैच कर दी चाय, चाय को मैंने यहाँ रख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ उठाई कंट्रोल एक्स, उसके बाद यहाँ पे आया वापसी में डबल क्लिक किया। मैं फिर चले गया, ठीक है, तो यहाँ से सेट कर लेंगे। यहाँ सेट करना है, इसको यहाँ पे सेट किया, बहुत शानदार बिल्डिंग है। सेट किया, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना लोगो लगा दूंगा। मैं अपना लोगो लगाया, उसको मैंने ऑरेंज पिंक टू फ्रंट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अपना लोगो लगा दिया, एक सेकंड, यहाँ पर लोगो लगा दिया। उसके बाद ये टी पैक, मैंने यहाँ टी पैक रख दिया, उसको मैंने ऑरेंज पिंक टू फ्रंट कर लिया। अच्छा, टी पैक का फॉर्म देख सकते हैं, टीपेक का देख सकते हैं लिखा हुआ है टीपेक का। ठीक है, उसके बाद मैंने टीपेक रखा, इसको थोड़ा सा ऐसे किया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं दोस्तों, मेरा ये पाउच रेडी है। तो मैं यहाँ ले आया और इसको बड़ा बना दिया, ये मेरा पाउच रेडी है। ये मैंने पाउच बनाया है 250 ग्राम का टी पैक का, तो ये केस में बहुत अच्छी लगी होगी आपको क्लास आज की, और बहुत ज़बरदस्त क्लास लगी होगी, बहुत मज़ा आया होगा क्लास में। अच्छा जी, फ्लिपकार्ट इसमें अगर आप देख लें, मैं एक चीज़ देख रहा था, मुझे ये अच्छी लगी थी, तो इसमें मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या चीज़ रह गई है। लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बना है, बहुत अच्छी चीज़ बनी है। तो बिल्कुल, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।